बाय बाय। In the name of Allah, the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum, everybody. मैं जुबैर फारूक आपको अपने चैनल पे वेलकम, खुश आमदीद और जी आयनो करता हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के नाम से, और जो है वो हम लोग अपनी पब्लिक सीरीज़ और क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो जारी रखे हुए हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अभी भी हम जो है वो ऑडियंस से क्वेश्चन पूछेंगे और अपने रोड शो का बरकरार रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको पहुंच सके। ओ, उसके लिए तो आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अभी जो है वो मैं क्वेश्चन करता हूं, तो आपको जो है वो दिखाते हैं, मुख्तलिफ रिव्यूज़ लेते हैं लोगों के कि वो क्या होंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो इस्लामिक क्वेश्चन है, इस्लामिक क्वेश्चन जो है वो लोगों से करेंगे मंथ के मुनासबत से। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा एमजेड ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का भाई, माशाल्लाह। नाम क्या आपका? जाहद। जाहद भाई क्या करते हैं? काम करता हूँ। काम करते हैं जी। चलिए माशाल्लाह। जाहद भाई, शाम के वक्त आप ये नहर के किनारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यार वैसे ही हवाएं ठंडी आ रही है, इधर सैर कर रहे हैं। अच्छा, सैर कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक क्वेश्चन करना है आपसे इस्लामी। जी। अच्छा क्वेश्चन ये है कि आप बताएंगे कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, तादाद कितनी है सूरतों की? माशाल्लाह 114 सूरते। 114 सूरते सूरते हैं। 114 माशाल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये कहाँ से, किसने बताया आपको? हम पढ़ते रहे हैं कारी साहब के पास। अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो जाहिर साहब अपनी शाम को इंजॉय करें, इससे पहले कि सूरज ग़ुरूब हो जाए और मिले कुछ ना, तो इंजॉय करें और अपना जो है वो नहर के किनारे आने का मकसद पूरा करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर साहब आपका, जज़ाकअल्लाह। ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन क्या हाल है आपके? शुक्रिया अल्लाह का, शुक्र मैं भी ठीक ठाक। यहाँ पे इस वक्त नहर आपके बिल्कुल पीछे जा रही है, तो क्या कर रहे हैं नहर पे? हम ऐसे ही घूमने फिरने आए हैं। मतलब जो है यहाँ नहर की डमी जो है वो एंजॉय करने आए हैं। जी जी। सही 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 सही, माशाल्लाह। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि इस्लामी साल के पहले महीने का नाम क्या है? मुहर्रमुल हराम। इस्लामी साल के आखिरी महीने का नाम क्या है? ज़ुलहज। ज़ुलहज, माशाल्लाह, कोई आसरा नहीं, सेकंड में जवाब। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बड़े ज़हीन लग रहे हैं, तो सवाल थोड़ा सा आपसे मुश्किल तो नहीं है, वैसे तो इजी है, आपको पता होगा। सवाल ये है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में सूरतें 114। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये कोई लगता है कि हाफज है, नहीं हाफज तो किसी मदरसे में कोई अच्छे तरीके से इनको ना मार पड़ी है। तो अभी इनसे पूछते हैं कहाँ से मदरसे में पढ़े, बड़ा आपको हर चीज आती जाती है, जबरदस्त। मैं अपने गांव में मदरसे में पढ़ा। माशाल्लाह, नहीं वाकई ना, किसी ने आप पे मेहनत की, मार्शल पढ़ती थी ना? हाँ जी, मार वगैरह पढ़ती थी ना आपको? इसी वजह से ये है यही बात है कि आपको सारा कुछ आते हैं, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मौसम इंजॉय कर रहे हैं। मौसम तो सुबह एंजॉय करे, वाला बादल थे, अब तो माशाल्लाह से फिर भी जो है वो काम करके थके हैं। आए काम करके थके हुए हैं ये प्यारे भाईजान। तो हम इनसे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन आपको पता है बड़ा इजी है, क्वेश्चन इजी है हमारे लिए, इनके लिए क्या है, अभी इनसे पता करते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? टोटल 104। दोबारा सोच लें हालांकि आप देखें इधर से इनके दोस्त खड़े, वो दोस्त नहीं है, ये भाई बता रहे हैं, लेकिन कोई दोबारा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 102 104 102 104। यार ये क्या बात हुई, दोबारा 102 104 114 और 115। ये अब देखे ना चौथे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में आपने सही जवाब दिया। चलिए बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इंजॉय करें अपनी इवनिंग का, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पहले ये बताएं आपका नाम क्या है? नबील। मुबीन? नबील। नबील, अच्छा अच्छा नबील भाई, तो क्या करते हैं आप? मैं बाहर रहता हूं। बाहर
ओवरसीज पाकिस्तानी। ओ माय गॉड, कौन से मुल्क में होते हैं? दुबई। ये इस्लामी अल इस्लामिया यू नो इस्लामी कंट्री में होता है तो भी इनसे इस्लामी क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे ये बताएं नबील भाई कि इस्लामी महीने सॉरी इस्लामी साल का पहले महीने का नाम क्या है? इस्लामी साल का पहला मुहर्रम होगा। इस्लामी साल का आखिरी महीने का नाम क्या है? इस्लामी महीने का इस्लामी साल के आखिरी महीने का नाम क्या है? सोचिए बिल्कुल करीब करीब है। आप अभी गुजार के ही आया वो वापस महीना बिल्कुल ठीक है जवाब। देखे जबरदस्त सऊदीया दुबई में रहने का इनको कोई तो फायदा हुआ है ना तो ये फायदा आपको हुआ। अच्छा आपके जवाब दोनों ठीक है जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय योर इवनिंग। थैंक यू। मशहूर बस्ती है ऊंची बोल रही मैं पहुंचा हूँ कराची नसीब बिरयानी पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पूछते हैं कि कराची नसीब बिरयानी आखिर क्या बुला है। तो आप ये देखिए कराची नसीब बिरयानी और पकवान सेंटर जो है ये साहू वाले अड्डे पे मौजूद है साहू वाला। तो ये देखे ये जो है इनका। अच्छा कराची वालों की एक यूनिक बात यह है कि यहाँ पे हर जगह पे जो है इनका एक जैसा सेटअप है। ये रेट इसके मेंशन किए हुए हैं फुल बिरयानी हाफ। और ये देखें ये इनकी बिरयानी है। तो ये बिरयानी ये आलू वाली बिरयानी है। आप ये देख सकते हैं आलू है और एक तरफ जो है वो चिकन है। कमाल है। और ये देखें एक तरफ जो है इनका पुलाव भी है। तो ये ओए होए 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 चिकन पुलाव और तो ये इनकी जो है वो अंदर बैठने की जगह है जहाँ पे ये देखिए उन्होंने कैमरे भी लगाए हुए हैं। और ये देखिए ड्रिंक्स पड़ी हुई है सारी पीने वाली और ये बैठने की इनकी जगह है। तो अभी जो है हम पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है आपका? रेहान। क्या करते हैं आप? पतीले पे खड़ा हूं। अच्छा पतीले पे मतलब आप जो है वो डाल के देने वाले हैं। तो ये कैसे अंदाजा लगाते हैं कि यार जो है वो मतलब जो है ये इतनी क्वांटिटी डालनी है इतनी क्वांटिटी डालनी है? असल में 4 साल हो गए काम करते हैं। 4 साल हो गए आपको काम करते हैं? तो अच्छा अच्छा ये यहाँ पे एक मैंने और चीज़ भी देखी है कि लिखा हुआ है कि कराची नसीब बिरयानी को ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। तो ऑर्डर पे कैसे तैयार किया जाता है? ऑर्डर पे सर जैसे आपने भी आना ना आपने हमारा कार्ड लेना या हमारा नंबर लेना आपने कॉल करने है कि ये चीज़ चाहिए तो आधे घंटे में आपको देख तैयार मिल जाएगी। अच्छा आगे आधे घंटे में देख तैयार मिल जाएगी जी। अच्छा 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 सही। तो ये आपके रेट फिक्स है? अच्छा ये कराची नसीब बिरयानी कौन सी है जो कराची से चलती आ रही है वही है? तो ये आपने ब्रांच ली हुई है एक या कैसे है? ये जो हमारे मालिक है ना इन्होंने पहले कराची से काम सीखा था तो कराची में एक शॉप डाली थी उधर से उनका अल्लाह ने हाथ पकड़ा आज उनकी 130 दुकान के मालिक। 130 लाहौर में भी काफी ब्रांचेज है आपने इनकी दुकान में? ऐसा ही है। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे जो है ये आप लोग अपना पकाते हैं या आपको आता है बने बनाई? ये साथ हमारा कितना वहाँ पे पकाते हैं। तो वो बंदा जो है वो कौन है? वो कहाँ से वहाँ से सीख के आता है जी? जो बंदा पकाता है वो कराची से सीख के आता है? कराची से सीखा हुआ 10 साल हो गए। ये अच्छा ये आलू को ये आप लाल कैसे करते हैं? आलू और बॉडी को अच्छा कलर तो वो जायका भी होता है कलर भी होता है एक जैसा रंग है? अच्छा अल्लाह पाक ने इसका जायका दिया। सही है सही है सही है। तो ये देखे ये यहाँ पे जो है ये बड़े भी ऑर्डर तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी देगें पकानी हो जर्दे की सादा जर्दा चिकन कोरमा भी रेडी करते हैं। तो उसके अलावा बिरयानियाँ सादा बिरयानी चना बिरयानी चिकन बिरयानी। इनकी जो मेन एक यूनिकनेस है वो इनकी है जो है ना वो कलर है येलो कलर। जिस भी चीज़ में ये कलर डालते हैं वो समझ लें कि कराची नसीब बिरयानी में ही आता है। तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की बिरयानी है। मैं पूछ रहा था मैंने कहा सोचा आप लोगों को रिव्यू देता हूँ मेरा गला ख़राब है इसलिए मैं बिरयानी टेस्ट अभी नहीं करूँगा मेरा जो है ना वो थोड़ा सा है फ्लू है। तो लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है इनकी शामी बिरयानी और इनका जो है वो एक सेटअप बड़ा कमाल का है। हर जगह पे एक जैसा सेटअप है वहाँ पे जो है एक जैसी इनकी क्वालिटी है। तो खैर तो बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है वो आपके मेरे ख्याल ग्राहक आ रहे हैं तो आप जो है ये ना हो कि फिर आपकी जो है वो आपको कोई डांटे तो अपनी जो है जगह पर जाएँ और जाके ग्राहक को डील करें। बहुत शुक्रिया आपका। ये बिरयानी की जो है प्लेट हर प्लेट पे टक
हर चम्मच पे टक। ओ माय गॉड, ये इसका स्वैग। जब तक ये टक टक ना हो जाए ना, ये ले, ये पैकिंग हो रही है बिरयानी की। ओ माय गॉड, ओए 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 ओए, टक टक, ये ले, जबरदस्त। ये जी दो बिरयानियां पैक कर दी है। ये हाफ है ना, ये फुल है। अच्छा, ये इन्होंने दो फुल बिरयानियां पैक कर दी है, जबरदस्त। यहाँ पे देखिए आपके रश कितना होता है। एक जो है ये कैमरा टू में मैं देख रहा हूँ, दिन के 1:58 यानी दिन में 1:58 पे यहाँ पे कितना रश है और दुनिया कितनी जो है वो यहाँ पे खा रही है। देख, ओ माय गॉड, जबरदस्त। यानी ये जो है फैमिली हॉल भी इनके पास है और लोग खाते आते हैं, फिर वो खाते चले जाते हैं। जहाँ पे जो भी आता है वो रुकता नहीं है, वो कहता है एक प्लेट है तो एक और लेके आओ। ये इसका एक बड़ा जो है ना वो क्यों, सिर्फ टेस्ट बिकता है, चाची नसीब बिरयानी नहीं बिकती। तो खैर, अभी बहुत जल्द इसको टेस्ट करेंगे, अभी जो है वो हम नहीं करेंगे तो क्योंकि गला ख़राब है। अभी हम चलते हैं, तो इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़। मुझे यहाँ पे एक ना कस्टमर भी मिल गया जो दो बिरयानियाँ पैक होती वो वाले, तो उनसे हम क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? अवैस। अच्छा वैस, ये बिरयानी लेके जा रहे हैं तो बड़े लगता है बिरयानी के शौकीन है आप। जी, मैं 2 साल से यहाँ से लेके जा रहा हूँ। 2 साल से यहीं से मतलब लेके जाते हैं और यहीं बैठ के खाते हैं जी। बड़ी पसंद है आपको कराची बिरयानी, क्या पसंद है इसमें आपको? बहुत मजा आता है, मतलब इनका टेस्ट अच्छा है जी। मतलब अलग टेस्ट है। घर में कभी ट्राई की है ऐसे बनाने की? क्यों, ऐसी बनती नहीं है? नहीं, ये यही बना सकते हैं भाई, ये इनकी स्पेशलिटी है, ये यही बना सकते हैं। तो चले अवैस, आपकी बिरयानी ठंडी हो रही है, जल्दी जाएं और जाके बिरयानी खाएं, भागे भागे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।